मौजूद नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की लेजेंड गुलूकारा नूरजहां की हालात ज़िंदगी की। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे छोटे से चैनल नॉलेज इन्फो को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनने को मिले। नूरजहां एक ऐसा एहसास जो जहान के लिए राहत का पैगाम। नूरजहां अपने वाबस्तगान के लिए हज़ारों खुशबख्तियों का बाइस बनी तो दुनिया में अनगिनत सुनने वालों की समातों में शहद घोलने की नेकियां बरसों से अपने नाम कर रही थी। नूरजहां की पहली शादी शौकत हुसैन रिजवी से सन 1944 में हुई, जब वो बेबी नूरजहां से नूरजहां हुई। नूरजहां और शौकत हुसैन रिजवी के यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए, जिनमें अकबर रिजवी अक्कू मियाँ, जिल्ले हुमा और असगर रिजवी अच्छू मियाँ शामिल हैं। शौकत हुसैन रिजवी ना सिर्फ नूरजहां के शौहर रहे बल्कि गुरु भी थे। नूरजहां की दूसरी शादी इजाज दुरानी से सन 1959 में हुई, जब वो सुपरस्टार होने के साथ साथ मलके तरन्नम का लकब पा चुकी थी। इजाज दुरानी भी इनकी ज़िंदगी में लगभग 12 साल तक रहे और इस अरसा के दौरान इनकी 3 बेटियां पैदा हुईं, जिनमें हिना, शाजी और टीना शामिल हैं। नूरजहां का असल नाम अल्ला वसाई था और वह ज़िला कसूर के इलाके कोट मुराद खान में पैदा हुई थी। इनके उस्ताद गुलाम मोहम्मद अलमरूफ गामे खान बताते थे कि अल्ला वसाई से इनकी पहली मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वो सिर्फ 4 दिन की थी और जब इनके अहले खाना इन्हें झंड उतरवाने और सलाम करने के लिए बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर ले जा रहे थे। अल्ला वसाई ने अपने घराने की रवायत के मुताबिक गाना इस वक्त सीखना शुरू किया जब वो मुँह से तोतले अल्फाज अदा करती थी। 7 बरस की उम्र में अल्ला वसाई अपनी बहन ईदन बाई और कज़न हैदरी बांदरी के साथ कसूर और आसपास के इलाकों में नन्ही मगनिया के तौर पर मशहूर हो चुकी थी। ये सन 1933-34 का ज़माना होगा। अल्ला वसाई और इनकी बहनों का नाम कसूर और लाहौर के टिक्का थिएटरों में मशहूर हो चुका था। अल्ला वसाई के मामू मोहम्मद शफी ज़हीन आदमी थे और इस ज़माने की शोबीज़ को थोड़ा बहुत समझते थे। इन्हें ये इल्म था कि अगर इन्होंने अपनी भांजी अल्ला वसाई के टैलेंट को आजमाना है तो इन्हें कोलकाता जाकर किस्मत आजमाई करना होगी। इससे कबल अल्ला वसाई कसूर और लाहौर तक अपने कैरियर की ज़बरदस्त इनिंग्स खेल रही थी। अल्ला वसाई जिस तकरीब में जाती, इन्हें मुख्तार बेगम के गाने बोलो तारा रा की फरमाई ज़रूर होती। वो नातिया कलाम और लोक गीतों के साथ इस वक्त के मशहूर गायिका अख्तरी बाई फैजाबादी की गज़ल दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे ऐसे पेश करती थी जैसे वो खुद अख्तरी बाई हों। इसके अलावा एहसान दानिश की लिखी नात मेरे मौला बुलाल मदीना मुझे भी पेश करके समातारी कर देती थी। सन 1942 में लाहौर के फिल्मी इदारे की सरबराह सेठ दिल सिख एम पंचोली ने नूरजहां को बतौर हीरोइन कास्ट की और उस वक्त के पढ़े लिखे हदायतकार शौकत हुसैन रिजवी से फिल्म खानदान बनवाई। मशहूर फिल्म की कामयाबी ने जहां नूरजहां को पूरे भारत की स्टार कन्फर्म किया, वहाँ फिल्म मेकिंग में भी लाहौर, कलकत्ता और बम्बई के मुकाबले सामने आन खड़ा हुआ। सितंबर 1947 में नूरजहां अपने शौहर शौकत हुसैन रिजवी और 2 साला बेटा अकबर रिजवी के हमरा पाकिस्तान आईं और यहां नुजायदा फिल्म ट्रेड की बुनियाद रखने में मसरूफ़ अमल हुई।